The Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज प्रोग्राम में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले जरा आज प्रोग्राम में कुछ करेंगे सूरत हाल जो स्वात की है इसके हवाले से गुफ्तगू करें। जैसे कि आपने देखा कि स्वात में गुज़श्ता दिनों में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर देखी जा रही है वहाँ पर मिलिटेंसी के वाकयात देखे जा रहे हैं और यकीन तौर पर स्वात की आवाम ने बड़ी सारी कुर्बानियाँ दी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खासतौर पर पाकिस्तान की आर्मी और दीगर एजेंसीज की जानिब से बहुत सी कुर्बानियां दी गई जिसके बाद स्वात में जो अमन है वो मुमकिन हो सका है। लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है वो अब कुछ तब्दील हुई है और गुज़श्ता एक से डेढ़ माह में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। दो रोज कबल भी एक बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ जिसमें स्कूल वैन के ड्राइवर को निशाना बनाया गया और गालबन इस तमाम तर कार्रवाई का मकसद यही था कि स्वात में जो तालीमी अमल शुरू हुआ और उसमें हम देख रहे थे कि बड़ी तादाद में स्वात में तलबा तलबात अपनी तालीमी अमल को जारी रखे हुए दिखाई दे रहे थे, तो उस तमाम तर मामला के ऊपर रोकथाम कर लगानी थी और तमाम तर मामला के ऊपर शायद एक डर और खौफ की फिजा कायम करनी थी। इसमें उम्मीद तो यही है कि जो पाकिस्तान में जो इदारे हैं लोकल इंतजामिया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और साथ साथ जो दीगर पहलू हैं इसके पीछे बड़े सारे मामलात हैं उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। प्रोग्राम में एक और भी अहम मौजू आज शामिल करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदार जनाब एतजाज अहसन साहब ने क्या गुफ्तगू की। वो ऐसी गुफ्तगू थी जिसके बाद से बड़े सारे मामलात जेरे बहस आए और उस एक गुफ्तगू ने ना जाने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के हवाले से और पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं इनके हवाले से बड़े सारे सवालात खड़े कर दिए। इस गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान नून की जानब से भी गम गुस्से का इजहार किया गया, लेकिन एतजाज हसन ने उस बात को दोहराया और इस बात का आज़म भी जाहिर किया कि अगर उन्हें किसी भी पे बुलाया जाता है तो उसके लिए तैयार हैं। उस गुफ्तगु में शरीफ फैमिली के केसेस के हवाले से बहुत कुछ कहा गया और जो सूरत हाल थी वो हम आपको खुद ही दिखा देते हैं कि उन्होंने दरअसल कहा क्या था। कोई शक वरना ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे। तो आपने सूरत हाल देखी और जो गुफ्तगु थी इस गुफ्तगु को अगर कुछ हिस्सा जो आपने सुना अगर उसको रिलेट किया जाए, मुफ्ती इस्माइल साहब ने गुज़श्ता दिनों में नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से कुछ बातें कही थी और उसका जिम्मेदार उन किसी और को ठहराया था और उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया था कि वो जो तब्दीलियां थी दरअसल हुकूमत की जानिब से नहीं थी बल्कि उसकी तजावीज कहीं और से दी गई थी। तो ये जो तमाम तर मामला है तो यकीन तौर पर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार से खुश आमदीद कहते हैं। तस्करा जरा करेंगे स्वात की सूरत हाल के ऊपर। स्वात में मिलिटेंसी के वाकयात में जिस अंदाज से पाक अफवाज ने सालों तवील एक ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान कितनी कुर्बानियां दी गई ना सिर्फ सिविलियंस की जानब से बल्कि आर्म फोर्सेज के नौजवानों की जानब से भी, और बड़ी तादाद में कुर्बानियां देने के बाद स्वात का वो अमन फिर से बहाल हो सका। लेकिन एक बार फिर से ऐसा लगता है कि स्वात के अमन को किसी की नजर लग गई। स्वात में जो अमन का सिलसिला चलता हुआ दिखाई दे रहा था एक बार फिर से उसको निशाना बनाया गया और गुज़श्ता एक से डेढ़ माह के दौरान स्वात में मुतअद्दिद मिलिटेंसी के वाकयात
होते हुए दिखाई दिए। एक और बड़ा वाकया हुआ जब स्वात में स्कूल वैन के बस ड्राइवर को निशाना बना के उसको हलाक कर दिया गया, और उसके बाद पूरे स्वात में मानो के प्रोटेस्ट होने लगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले इलाके इलाकों में ये जो एहतजाज था वो फैलता चला गया, और एक बड़े पैमाने पर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया जिसका सबसे अहम और एक ही वाहिद मकसद था कि स्वात अब मजीद किसी भी तौर पर दहशतगर्दी का सामना करने के लिए या दहशतगर्दी को कबूल नहीं करेगा। इसी वजह से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर करेस्पॉन्डेंट जनाब फजल हक साहब, जरा इनसे जानते हैं कि आखिर क्या सूरत हाल हुई और आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फजल साहब अस्सलाम वालेकुम। फजल साहब क्या सूरत हाल हुई, जरा इस वाक्य का पस मंजर बयान करें ताकि हम आगे की तरफ गुफ्तगू कर सकें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौसू करने का और वक्त देने का। इस तरह के कई सालों पहले सवाल में दहशतगर्दी के वाकयात रोनुमा हुए थे और इसमें एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, और इस मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में सवाल के और आस पास के जो इलाके हैं वहाँ के जो मशीन है वो यहाँ मरदाल और जो है सेरा चार सदा के इलाके हैं वहाँ पर वो हिजरत करने पर मजबूर हुए थे और यहाँ आबाद हुए थे। अभी तकरीबन एक डेढ़ माह के दौरान फिर मिलिट्री के कुछ वाकयात रोनुमा हुई है, और जिस तरह आपने फरमाया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पहले स्कूल के एक वैन पर भी दहशतगर्द ने हमला किया और उसमें ड्राइवर हलाक किया, और उसके हमले के नतीजे में बच्चे इतने हैं, कई बच्चे भी जख्मी हुए। तो इसी और उससे पहले भी है तो दो तीन वाकयात रोनुमा होते थे, तो इसी के तनाजर में स्वात के मसीद ने उस पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए और वहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया, और एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे के दौरान स्वात के मसीदों का कहना था कि पहले भी स्वात जो है ना ये दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासर हुआ था, कारोबार भी सबके थे वो भी बुरे तरह मुतासर हुए थे, इसके साथ साथ जो तालीमी माहौल थी वो भी बुरे तरह मुतासर हुई थी। तो अभी ये जो रोनुमा हुए थे स्वात के मसीनों ने कहा कि अभी स्वात मजीद इस तरह के वाकत का मुतहमल नहीं हो सकता, इस तरह पहले इसके तालीमी इदारे इसके जो सरकारी इदारे जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो था बहाल हो चुके थे। तो अभी सबसे मशीन ने साफ रजामन का इजहार करते हुए बताया कि इस तरह मजीद स्वात मुतहमल नहीं हो सकता, और उन्होंने मुतालबा किया हुकूमत से और दीगर आला हुकाम से कि स्वात के जो हालात है इसको जो है ना जो सूरत हाल का सामने पर कई नजर फंस के और जो वाकत है जो दहशतगर्दाना माहौल है उसको पूरी तौर पर खत्म करे और स्वात में। लेकिन फजल साहब ये बयान कीजिए ना कि हम देख रहे थे कि केपीके के हर एक इलाके में अमन मुकम्मल तौर पर बहाल हुआ, स्वात की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन थी, सयाह आ रहे थे, बड़ी तादाद में आ रहे थे, फिर एकदम ये सूरत हाल कैसे बदलने लगी? गुज़िश्ता एक से डेढ़ माह में इतने सारे वाकयात हुए, क्या कोई इसका कोई ट्रैक मिलता है, कोई इसके पीछे कोई मुनज्जम गिरोह है, कौन है इसके पीछे? मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन ओमान की सूरत हाल बहाल हो चुकी थी, सवाल में भी तैयार दिया रहे थे और मुकम्मल तौर पर अमन बहाल हुआ था, लेकिन चंद महीने के दौरान जो हालात खराब हुए तो माहरीन के मुताबिक यहाँ पे जो सवाद है उसके यहाँ पे अफगानिस्तान और दूसरे मोबाइल से भी मिलता जा रहा है, तो एक जा रहा है कि इस बोली की वजह से यहाँ पर जो हालात है और जो सुख है तो वो मुनजम हो चुके हैं और सवाद में जो है ना वाकियात कर रहे हैं और जो अमन का हालात है पुरअमन माहौल है वो खराब करना चाह रहे हैं। और इस हवाले से वहां पे जो लोकल इंतजामिया है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसका क्या कहना है? क्योंकि हम मुराद सईद साहब का स्टेटमेंट सुन रहे थे, वो काफी गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे और गालिबन इस बात का इशारा भी दे रहे थे कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा या उनके जो मामला है उसमें दखल अंदाजी दी जा रही है, क्या मामला है इस हवाले से? इजहार किया गया था और जो मुराद शरीफ साहब जो साबिक निकासी वजीर है उन्होंने खुद एक एहतजाजी जो जनता का एहतजाजी जो एहतजाज था उसकी लिस्ट और उसकी लिस्ट करते हुए उन्होंने बताया था, और उन्होंने अपने जो साहब के चाहिए इमरान खान साहब है उन्होंने भी उन्होंने का मुताबिक किया था, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इमरान खान है वो अपना किरदार अदा करे और बहाल करने के लिए यहाँ के लोगों का साथ दे।
और ये फजल साहब ये बताइएगा कि वहाँ पे लोकल जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, दीगर इंतजामिया है, उसकी जानिब से भी कोई इस पे बयान जारी किया गया कि क्यों ये सारे मामलात एक बार एक ये के बाद दीगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? वहाँ पे मकानी इंतजामिया है, उनके मुताबिक भरपूर कार्रवाई कर रही है और उनका कहना है कि किसी को समाज का अमन अमान खराब करने की जरूरत नहीं दी गई थी और जिन्होंने भी इनपुट थी तो उनके साथ आज की आर्मी हाथों से जनता जाएगा और उन्होंने फिर यकीन दिलाए कि अफवाह से पूरी महसूस है और उनके और एक चीज और के सवाल से बयान कीजिएगा कि कुछ लोग इस बात को जोड़ हैं मलाला यूसुफ़ज़ई की वतन वापसी के आने से, 10 साल बाद मलाला यूसुफ़ज़ई वतन वापसी आई, उनके ऊपर जो हमला हुआ और उसके बाद ये भी यकीनी था कि जब वो यहाँ पाकिस्तान आएंगी तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की तरफ देख रहा होगा और कड़ी नजर से देख रहा होगा, तो ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आलमी तौर पे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, रुश्वा करने के लिए इस तरह का काम किया, इस तरह का अमल किया? मेरे ख्याल में एक जो हालात को मनाली तस्वीर के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। अभी तो मनाल को आगे पहुंच गया है और उन्होंने कुर्बानियां दी अपने अमान की खातिर और तालीम के लिए। और वहाँ पे जो आम आवाम है उसका क्या रद्द अमल है? क्या वो अब यहाँ मामला को जिस अंदाज से चलाए जा रहे हैं वो यकीन तौर पर तो दिख भी रहा है जो जलसे में कि काबिल कबूल नहीं है, तो क्या आवाम का मुतालबा है कि क्या किया जाए? क्या सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए या उन किरदारों को जो कि इसके पसे पर्दा है उनके हवाले से कोई मुतालबात आवाम के जो आपके आपकी तरफ से हम पहुंचा सके? जो आवाज है वो ये मुतालिबा कर रहे हैं कि जो लोग समाज के और अमन माहौल को खराब करने की नाकाम और मजबूत कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ आम युवा जो सिलसिला है और जो समाज के और जो दीगर उनके साथ लगे हुए अजलाज है उनके बाद की जो है तैनात की गए की तादाद बढ़ाई गई और जो यहाँ से जो दूसरे लोग हैं जो स्वास्थ्य अमल को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है उनके साथ आम युवा जो सिलसिला गए का मुताबिका है कि यहाँ पर अमन और अमान खराब करने की हर नाकाम को जो हर कोई नाकाम बनाए गए यहाँ पर हम अभी बहुत बहुत शुक्रिया फजल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे और यकीन तौर पर केपीके की जो सूरत हाल है बिलखसूस स्वात की जो सूरत हाल है उमूमी तौर पर काफी खूबसूरत इलाका है पाकिस्तान का और हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता 4-5 सालों में टूरिज्म के एतबार से इस इलाके ने फिर से काफी ज्यादा तरक्की की और वहां पर एक बार फिर से मुकामी और गैर मुकामी सयाह बड़ी तादाद में रुख करते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान के उन इलाकों का अमन फिर से खराब किया जाए जहाँ पे बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, गैर मुल्की आते हैं और पाकिस्तान का वो जो तासुर है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाए। इस हवाले से मुराद सही साहब ने भी कुछ बयान दिया है, जरा वो सुनते हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूँ, वोटों को ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है मेरे फैसले आप करते हो, तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूँ कि हालात उस तरफ ना जाए और तीन चीजें मैं फिर से पहले से बता रहा हूँ। नंबर एक कि आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। आज मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे यार उनके ऊपर फायरिंग हुई है, स्कूल की वैन के ऊपर फायरिंग हुई है। हम कहते हैं रोजाना की दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। ये जुर्म है ये बात करना? तो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने स्वाद के मुस्तकबिल के लिए, पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल के लिए कड़े होना है, आवाज उठानी है, हमने बात करनी है। आपने कहा ना कि अमन है, हमें हमारा अमन दे दो। हमने तो पूरा स्वाद दिया था, कभी किसी ने पिछले 5-8 सालों में एक वाकया सुना था? कभी किसी ने सुना था कि हमारा अमन बर्बाद है?
दुनिया आ रही थी हमारी मिसालें दे रही थी। 60 अरब का सिर्फ ईद के 3 दिनों में हमारा बिजनेस हुआ था। हमारा बिजनेस भी तबाह, हमारी घर भी तबाह, स्कूल बच्चे नहीं जा सकेंगे, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो आपने सुना कि महाराज सिंह साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उनका शुमार होता है, यकीन तौर पे गमों गुस्से का इजहार कर रहे थे और इस बात का गिला भी कर रहे थे कि गालिबन जो उनके काम है जो वो करना चाहते हैं नहीं करने दिया जाता। कहीं उन्होंने तनकीद भी की, कुछ मामलात के ऊपर नजरसानी की भी दरख्वास्त की और ये यकीनी तौर पर ये भी कहा जा रहा है दूसरी जानिब से कि इस वक्त जो KPK में जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, अमन व अमान की जिम्मेदारी तो उसकी होनी चाहिए और इस वक्त अगर हुकूमत देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और गुज़िश्ता अदवार में भी और इस अदवार में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मजबूत हुकूमत कायम की और उसके बावजूद अगर इस इलाके में इस तरह की वाकयात हो रहे हैं और इस तरह के मामलात रोनुमा हो रहे हैं तो उसके ऊपर यकीनी तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।